पोहरी के बस स्टैंड पर अवैध गुमटी सहित गंडम बसों को क्रेन की मदद से हटाया गया। 1 महीने में बदलेगी बस स्टैंड की तस्वीर। शिवपुरी नगरी प्रशासन ने आज मुख्य बस स्टैंड पर सोमवार की शाम पहुंचकर अतिक्रमण मुहिम छेड़ दी है। इस दौरान नगर पालिका के अमले ने बस स्टैंड परिसर में अवैध रूप से रखी स्टॉल में संचालित सभी दुकानों और गुमटियों को जेसीबी की मदद से हटा दिया है। साथ ही परिसर में खड़ी कंडम बसों को क्रेन की मदद से हटवा दिया है। इस दौरान मौके पर एसडीएम उमेश कौरव, तहसीलदार सिद्धार्थ शर्मा, नगर पालिका सीएमओ ईशान धाकर सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं बस स्टैंड पर स्टॉल और गुमटियों को संचालित करने वाले दुकानदारों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कोई सूचना नहीं दी थी। प्रशासन ने एकाएक आकर अतिक्रमण मुहिम चलाई, जिससे 1,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। उल्लेखनीय है कि शहर के अंतर्राज्य बस स्टैंड पर मासूम के साथ रेप जैसी गंभीर घटना सामने आ चुकी है। इसके अतिरिक्त बस स्टैंड पर रात के समय शराबियों और नशेड़ियों का जमावड़ा जुटता रहता है। इसके चलते प्रशासन ने आज एक राय होकर एकाएक कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि प्रशासन बस स्टैंड पर बिना सूचना लिए जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर लेकर पहुंचे, जिसे देख बस स्टैंड के भीतर दुकान संचालित करने वालों में हड़कंप मच गया था। क्या नाम है आपका? सोनूपुरी गोस्वामी। काय की दुकान लगाते थे आप? परचून की दुकान है, पुड़िया बंडल पिताजी बैठते हैं। तो क्यों हटा रहे हैं? अब कहते हैं अतिक्रमण, साहब अतिक्रमण क्या है? कुछ भी कारण हुआ, कोई भी लोग बस स्टैंड है, कोई वो तो है नहीं है, कोई भी अनजान आदमी कुछ घटना कर जाता है दुकानदारों को आपत आती है। तो आप कितने समय से लगाए? काफी 2-3 साल हो गया सर मेरे को तो यहाँ लगाते। हाँ, तो आपको कोई समझाइश वगैरह या कुछ सूचना वगैरह दी थी उन्होंने? कोई समझाइश नहीं है, आते हैं जैसी भी आती है बस सीधी। तो आपका कितना नुकसान हो गया सर? मेरा तो 22,000 का सर, फ्रिज रखा था उसमें दुकान में। पिताजी की तबीयत खराब, वो घर पे है अभी, वो तो है नहीं है, अभी दौड़ के आया हूँ, किसी ने फोन लगाया भैया ने। तो कार्रवाई की जा रही है आज बस स्टैंड पर, किस उपलक्ष्य में की जा रही है? ये जो पौरी बस स्टैंड पर बहुत अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, बसें बहुत अव्यवस्थित ढंग से यहाँ खड़ी की जाती थी, जिससे आम जनता को भी असुविधा होती थी, जो यात्री आते थे उनको भी असुविधा होती थी। तीसरा क्या था कि यहाँ कुछ कंडम बसें भी खड़ी थी, जो पीछे का हिस्सा था वहाँ लाइट वगैरह नहीं थी, तो कुछ आपराधिक गतिविधि के लोग भी वहाँ इकट्ठे होकर और इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को, अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। तो इसकी मेरे द्वारा एक बीच में जांच की गई थी, और जांच में मैंने कुछ 10-12 सुझाव माननीय कलेक्टर साहब को प्रस्तुत किए थे। उन सुझावों पर ये मीटिंग हुई, उसमें एसपी साहब, कलेक्टर साहब और सभी अधिकारी थे, और ये निर्णय लिया गया कि जो सुझाव दिए गए हैं उन पर अमल किया जाए, और अमल करने का जो टाइम लिमिट है वो 1 महीने का निर्धारित है। इसके अंदर ये जो अवैध अतिक्रमणों को हटाना है, ये जो बस स्टैंड में जो टूट फूट हो गई है इसको रिपेयर करके यहाँ पे एक जॉन ऑफिस खुलेगा नगर पालिका का, वो स्थायी रूप से उनके कर्मचारी वहाँ बैठेंगे। एक बस स्टैंड के संचालन के लिए समिति गठित होगी, जो व्यवस्थित रूप से इसका संचालन करेगा। इसमें अगली बात है, इसमें जो लाइट की कमी थी, तो प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होगी, हाई मास्क एक लग गया है और एक और लगेंगे, कुछ पोल भी लगाए जाएंगे। सर क्या ओनली ये दुकानें जो लगी हैं उन्हीं पर अतिक्रमण का नहीं, कुछ लोगों ने परमानेंट बना रखा है यहाँ पे? ये जो बस स्टैंड के क्षेत्र में जो भी अतिक्रमण है, चाहे वो परमानेंट हो या अस्थाई हो, वो सारे ही देंगे। ये काम चल ही रहा है अभी आपके सामने। सर दुकानदारों को भी आरोप दिया कि हमको कुछ समझाई थी, इसके लिए कोई सूचना भी नहीं थी, उन्होंने सीधे सामान बनना स्टार्ट कर दिया, और अखबार में भी ये सब चीज़ें छप चुकी है। इसके अलावा उनको पहले से बता दिया गया कि आप हटा। इसके बाद जो है ना, ये जो बसें आप देख रहे हैं ना इधर खड़ी होती हैं बेतरतीब, ये सारी अब टर्मिनल के सामने खड़ी होंगी, रूट वाइज खड़ी होंगी। 4 रूट हैं, ग्वालियर रूट वाली एक टर्मिनल पे जाएंगी, गुना रूट वाली एक टर्मिनल पे जाएंगी, पौरी रूट वाली एक टर्मिनल पे जाएंगी, और आपका झांसी रूट वाली एक टर्मिनल पे खड़ी होगी। उसके अंदर ही उनका बुकिंग काउंटर होगा। ये जो बाहर लगा ली है सब हट जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। सीसीटीवी कैमरे की भी कोई व्यवस्था की है? सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे, पीने के पानी के लिए आरओ भी यहाँ बड़ा लगाया जाए। सर जो कंडम बस है परमानेंट रखी है उनको? कंडम बस है अभी आज की तारीख में 2 बची हैं, जो अभी क्रेन खड़ी है लेके जा रही है। ऐसा कोई काम नहीं है, जो ये प्रदेश का सबसे सुंदर बस स्टैंड बने, बहुत बड़ा भी है सर अपने यहाँ।